हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह एसुस ज़ेनफोन मैक्स में वोल्टी का अपडेट ला सकते हैं। ये जो है 16 जीबी का वेरिएंट है जो कि स्नैपड्रैगन 410 चिपसेट के साथ आता है और इसमें पहले वोल्टी अपडेट नहीं था। आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल अभी नोटिफिकेशन पैनल में मेरा वोल्टी लिखा हुआ है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा डिवाइस है। ये सेटिंग में जाऊँगा वहाँ देखूँगा मैं कौन सा डिवाइस है और ये देख सकते हैं आप एसुस Z010D मॉडल है, 16 GB वर्जन है ये जो ज़ेनफोन मैक्स का है। और ये आप गूगल में डाल के चेक कर सकते हैं कि कौन सा है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, आपको अगर आप वर्ल्टी का अपडेट लेना चाहते हैं तो आप सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप सिस्टम अपडेट्स में जाइए और सिस्टम अपडेट्स के बाद चेक अपडेट्स कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही अपडेट कर लिया है इसलिए मेरे को कोई भी नया अपडेट नहीं दिखाएगा। अगर आपने वोल्टी अपडेट नहीं किया है तो आपको एक नया अपडेट मिलेगा जिसे कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसे डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर दें और उसके बाद रीस्टार्ट होगा फ़ोन। फ़ोन रीस्टार्ट होने के बाद आपके नोटिफिकेशन पैनल में वोल्टी आ जाएगा और आप इसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद मोर पे क्लिक करें और यहाँ पे सेलुलर नेटवर्क पे क्लिक करें और यहाँ पे देखिए वोल्टी इनेबल आ जाएगा। इनेबल और ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे आ सकता है, इसे ऑफ कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से ये ऑफ़ हो जाएगा और यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये है आपका वोल्टी अपडेट। अगर आप इसे अपने किसी और तरीके से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्राउज़र अपना खोल लें। ब्राउज़र खोलने के बाद आप यहाँ पे एसुस ज़ेनफोन मैक्स और यहाँ पे इस लिंक पे चले जाएं जो मैं आपको लिंक दिखा रहा हूँ। ये लिंक खुल रहा है अभी, इसे खुलने दीजिए पूरा। यहाँ सपोर्ट पे क्लिक करें, सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे कुछ और उनमें से आपको जो चूज़ करना है वो है ड्राइवर्स एंड टूल्स। और ड्राइवर्स एंड टूल्स के बाद यहाँ पे आपको एंड्रॉयड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फ्रेमवेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिक्स LTE मोबाइल डाटा डिसकनेक्टिविटी रैंडमली, ये एक अपडेट है, ये ग्लोबल है। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड जब कर लेंगे, ये 1.6 GB का जिप फाइल है और इसको डाउनलोड करने के बाद इसे अपने SD कार्ड यानी माइक्रो SD कार्ड में कॉपी कर लीजिए और फ़ोन रीस्टार्ट कर लीजिए। फ़ोन रीस्टार्ट करने के बाद पावर बटन और वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिए, उसमें एक रिकवरी मोड ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए और वहाँ पर क्लिक कर देगा अपडेट फ्रॉम SD कार्ड आ जाएगा, वहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद फिर ऑप्शन आएगा वो जिप फाइल पे क्लिक कर दीजिए जहाँ जो आपने डाल के रखा है उसमें जिस फोल्डर में भी डाला है और उसे अपडेट कर दीजिए तो वो डायरेक्टली वहाँ से भी अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अपने डिवाइस को वर्ल्टी अपडेट कर सकते हैं एसुस ज़ेनफोन मैक्स में। तो ये मैं तो सिंपल आपको यही बताऊँगा कि आप सेटिंग में जाके सिस्टम अपडेट्स में डायरेक्टली अपडेट कर दें तो शॉर्ट प्रोसेस है। ठीक है, आशा करता हूँ मैंने जो आपको बताया वो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करें। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी बहुत सारे अपडेट्स मैं इसमें डालता रहता हूँ। कोई डाउट हो करने में तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, गुड बाय।